ये कहानी तब की है जब दुनिया नई नई शुरू हुई थी और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना अभी शुरू ही किया था। वहीं पर एक लेजी सा कैमल था जो कि एक हॉलिन डेजर्ट में एक अकेले भूतिया से, जहां पे अजीबोगरीब सी आवाज आती है, ऐसे जंगल में वो रहता था। और पूरे दिन वो लकड़ियां खाता था, थॉर्न्स को खाता था, कांटों को खाता था, प्रिकल्स को खाता था, और अगर कोई भी उससे बात करने के लिए आता था तो वो कुछ भी नहीं कहता था, बस रिप्लाई में हम्प कह देता था। अब एक दिन की बात है, एक मंडे मॉर्निंग को घोड़ा उससे मिलने आया और घोड़े की पीठ पर सैडल लगा हुआ था। सैडल का मतलब होता है जो घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए बनाया जाता है, उसको हम सैडल कहते हैं। तो घोड़े की पीठ पर सैडल लगा हुआ था, वो आया और उसने कैमल से कहा कि ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक अस, कि तुम बाहर निकलो इस रेगिस्तान से और हम जैसे इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। ट्रॉट 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 इज अ मूवमेंट ऑफ हॉर्सेस, जो टिक 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 आवाज आती है ना, उसको हम ट्रॉट कहते हैं। तो घोड़ा कह रहा है कि तुम भी चलो और हमारे जैसे जैसे हम घोड़े काम कर रहे हैं वैसे चलो तुम भी काम करो। अब कैमल रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता, बस वही अपना यूजुअल सा आंसर हम्प कह देता है और घोड़ा वहां से वापस चला जाता है और इंसान को जाके पूरी बात बता देता है। और अब सेकेंड टाइम एक डॉग आता है कैमल के पास और डॉग के मुंह में एक लकड़ियां थी, स्टिक्स थी, ठीक है। कुत्ते ने कैमल से कहा कि चलो अब जैसे हम लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं इंसानों के लिए, वैसे चलो तुम भी करो और इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दो। कैमल ने फिर वही उत्तर दिया हम्प, और कुत्ता वहां से चला गया और इंसान को जाके सारी बात उसने बता दी। अब फिर से कुछ देर बाद एक ऑक्स आता है कैमल के पास, बैल, ठीक है। ऑक्स के गले में योक लगा हुआ था, YOKE। अब योक क्या होता है, जो दो बैलों को जोड़ने के लिए लकड़ी लगाई जाती है ना, उसको योक कहते हैं। तो बैल के गले में योक लगी हुई थी। उसने कैमल से कहा कि तुम भी चलो हमारे जैसे खेतों को तुम भी प्लो करो, तुम भी खेतों को क्या करो, जोतो। और फिर से कैमल ने वही उत्तर दिया हम्प, और फिर से बैल वहां से चला गया और इंसान को जाके उसने पूरी बात बता दी। उसी शाम को इंसान ने तीनों जानवरों को एक साथ बुलाया और कहा कि वह उन तीनों जानवरों के लिए सॉरी है, क्योंकि वो जो हम्प जैसी चीज है एकदम मिडिल ऑफ द डेजर्ट ना, वो काम नहीं करना चाहती है क्योंकि वो अब तक आया ही नहीं है, इसलिए उस ऊंट के हिस्से का काम इन तीनों जानवरों को करना पड़ेगा, मतलब इन तीनों जानवरों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर तीनों जानवर, ऑक्स, हॉर्स और डॉग, तीनों बहुत दुखी हो गए। रेगिस्तान के कॉर्नर पर उन्होंने पंचायत बुला ली। अब ऊंट भी पंचायत में आया और वह कड चबा रहा था। कड का मतलब क्या होता है, जो जानवर खाना अंदर ले लेते हैं ना, फिर उसे वो वापस लाते हैं उसे चबाने के लिए, तो उसको कड कहते हैं, ठीक है। तो वो कड चबाते हुए वहां पर आया और उसने फिर से तीनों जानवरों का मजाक उड़ाया और वही अपना यूजुअल सा हम्प करके वहां से चला गया। कुछ देर बाद रेगिस्तान का जो राजा है जिन, वहां पर आता है और वो जानवर, जो तीनों जानवर थे, उन्होंने जिन को सारी बात बता दी। उन्होंने जिन से कहा कि रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन और एक लंबे पैर वाला कोई चीज है जो कि बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। घोड़े ने कहा ना तो वो मेरी तरह ट्रॉट करना चाहता है, और ऑक्स ने कहा कि ना तो वो मेरी तरह खेत को जोतना चाहता है, ना तो वो प्लो करना चाहता है, और जब हम उसे काम करने के लिए बोलते हैं तो वह बस हम्प कह देता है। सारी बात सुनकर जिन ने जानवरों को दिलासा दिलाया कि वह उस ऊंट को सबक जरूर सिखाएगा। अब जिन इतना कह के अपने बड़े से डस्ट क्लोक का मतलब होता है जो बड़ा सा कपड़ा लंबा सा पहनते हैं ना, उसको डस्ट मतलब कि गंदा सा कपड़ा, ठीक है, गंदा सा कपड़ा पहन के वहां से वो ऊंट को ढूंढने चला जाता है। तभी वो देखता है कि ऊंट पानी में अपनी ही परछाई को देख रहा है। जिन ऊंट के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते और तुम्हारी वजह से जो बाकी तीन मेहनती जानवर हैं उनको दुगना काम करना पड़ रहा है, डबल टाइम काम करना पड़ रहा है। और इतना कहकर जिन अपने गालों पर उंगली रखकर उसके ऊंट के उत्तर का, ऊंट के आंसर का
इंतजार करने लगता है, लेकिन ऊंट फिर भी कुछ नहीं बोलता, बस वही अपना यूजुअल सा आंसर वो हंप कह देता है। अब जिन को गुस्सा आ जाता है और जिन कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, तुम ये हंप कहना छोड़ दो, और जो तुमने सोमवार से काम नहीं किया है, जितना भी तुम्हारा काम अधूरा है, चलो तुम और बाकी जानवरों के जैसे तुम अपना पूरा काम करो। लेकिन फिर से ऊंट कुछ भी नहीं कहता और वही अपना यूजुअल सा आंसर हंप कह देता है। तभी अचानक ऊंट की पीठ फूल जाती है, स्वेलप हो जाती है और एक बड़ा सा हंप उसकी पीठ पर बन जाता है। ऊंट को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा घमंड रहता है, लेकिन अब उसकी पीठ की जगह एक बड़ा सा हंप बन गया था। जिन ऊंट से कहता है कि तुम अपनी इस हालत के जिम्मेदार खुद ही हो, क्योंकि तुमने सोमवार से काम नहीं किया है और आज थर्सडे हो गया, 3 दिनों से तुमने काम नहीं किया है। यह वही हंप है जो वो बार बार बाकी जानवरों को रिप्लाई करता था ना हंप हंप कह के, अब वही हंप उसकी पीठ पर बन गया, एक बड़ा सा हंप हो गया है, अब उसे काम करना पड़ेगा। अब कैमल दुखी हो जाता है और बोलता है कि मुझे इस हंप के साथ काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जब ये मेरे पीठ पे रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगा। लेकिन जिन ऊंट को समझाता है, कहता है कि ये हंप तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुमने 3 दिनों का काम नहीं किया है और इन 3 दिनों के काम बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लिए करने के लिए तुम्हारे इस हंप में फूड और वाटर स्टोर रहेगा, यहां पर इकट्ठा रहेगा, ताकि तुम बिना ब्रेक लिए काम कर सकोगे। अब तुम यहां इस डिजर्ट से, इस जंगल से, इस रेगिस्तान से तुम निकलो और बाकी जानवरों के जैसे तुम भी काम करो, और तुम कभी भी इस हंप के लिए, अब देखो यहां पर जो हंप नाम था ना, उसको अब हम हंप कहते हैं, जो हंप लंबा घिसता था अब हम उसे हंप कहते हैं, ताकि ऊंट को बुरा ना लगे। जिन कहता है अब ये तुम हंप के लिए तुम कंप्लेन ना करना, क्योंकि ये एक स्पेशल हंप है जो तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। और उसी दिन से लेकर आज के दिन तक ऊंट के पीठ पर वो हंप बना हुआ है, लेकिन आज भी ऊंट ने उन 3 दिनों का काम जो छूटा हुआ था, वो काम अभी तक उसने पूरा नहीं कर पाया है, और ना ही वह अच्छे से बिहेव करता है, ना ही वो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है। ये थी हमारी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।